उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने अराजक तत्वों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत आगरा मंडल के 8 जिलों में 2 लाख से अधिक लोगों को पाबंद कर दिया गया है। आगरा मंडल के अपर महानिदेशक पुलिस राजीव कृष्ण ने शनिवार को बताया कि चुनाव में अशांति फैलाने वाले को चिन्हित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर ऑपरेशन पहचान शुरू किया गया। इसके तहत पिछले 10 साल में जेल गए बदमाशों का सत्यापन कराया गया। इसके अलावा पिछले 5 चुनावों के दौरान जिन लोगों ने विवाद किया और जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, ऐसे सभी लोगों की सूची पुलिस के पास है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत आगरा जिले में 57,363, अलीगढ़ में 36,222, कासगंज में 29,315, मथुरा में 27,126, फिरोजाबाद में 20,839, हाथरस में 18,705, मैनपुरी में 10,517 और एटा जिले में 7,864 लोगों को पाबंद किया गया है। कृष्ण ने बताया कि पुलिस उन्हीं लोगों को पाबंद कर रही है जिनके द्वारा चुनावों में व्यवधान उत्पन्न करने की आशंका है। चिन्हित लोगों को 5 लाख रुपए से पाबंद किया जा रहा है। ऐसे सभी लोगों पर नजर भी रखी जा रही है। चुनाव में किसी तरह का खलल डालने वालों से मुचलके की रकम जमा कराई जाएगी।